BLSS, एस आई था ना आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास तो हो चुका था। अब ये सारी चीजें जो थे एक चिप पर हो गए, चिप पर इसकी गणना होती थी। जैसे कि आपने मेमोरी कार्ड में देखा होगा एक चिप ही होता है, आप उसे मेमोरी कार्ड का यूज नाम देते हैं लेकिन वो क्या होता है, चिप होता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि चिप चाहिए होते हैं, तो बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं चिप क्या होता है, उन्हें तो पता है मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो चिप पर आग्रह सारी चीजें, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क हुआ करती थी, मोटी मोटी हार्ड डिस्क हुआ करती थी, पतली हो गई, छोटी हो गई, क्या आ गया, लैपटॉप आ गया, आया कि नहीं आया, तो हर चीज छोटी हो गई कि नहीं हो गई। पहले मिनी कंप्यूटर था या लैपटॉप भी आ गया, अब उसके बाद क्या आ गया, टैबलेट भी आ गया, और छोटा हो गया ना, स्मार्टफोन तो है ही, ठीक है। तो ये सारे आविष्कार पांचवी जनरेशन के हैं, करते कि पांचवी जनरेशन में जो थी कॉम्पैक्ट डिस्क जानते हो, सीडी जानते हो ना, और डीवीडी का क्या होता है, डिजिटल, डीवीडी का फुल फॉर्म जयराम। चलिए डीवीडी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप पता कीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल सी चीजें सीडी और डीवीडी। देखिए इंटरनेट का भी आविष्कार, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, ये सारे पांचवी जनरेशन की चीजें मानी जाती है। हालांकि जब फोर्थ जनरेशन में ही आविष्कार हो चुका था लगभग में ये सारी चीजें, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि इंटरनेट का आविष्कार 1989 में हुआ था और अच्छे ढंग से काम करना हुआ 1990 से स्टार्ट किया इंडिया में, 15 अगस्त 1995 में आई थी इंटरनेट, डिजिटल वर्चुअल डीवीडी,